हेलो एवरीवन आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो मैथ का जो सेट है वो चौदह जुलाई शिफ्ट फोर करने जा रहे हैं एंड इसमें टेस्ट पर हम लोग को बीस मिनट टाइम प्रोवाइड करता है बीस मिनट में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे एंड जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उनको फिर बाद में सॉल्व करेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरी जो लैंग्वेज प्रेफरेंस रहती है वो इंग्लिश एंड अब स्टार्ट करते हैं पहला डी बाद में द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल इज़ ग्यारह चल जा ग्यारह इज़ टू पंद्रह एंड इफ़ देयर इज़ दो सौ मोर गर्ल्स देन बॉयज़ देन इज द नंबर अच्छा चार की वैल्यू दो सौ है चार पंच बीस पचास ग्यारह पच्चे पचपन याबाद में द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर आठ और पाँच यानी कि पाँच है एक्सपेंडिचर और तीन हो गया सेविंग ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग इनकम इंक्रीज़ होती है बीस परसेंट से एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है तीस परसेंट से तो ये बताना है हमें ये दस दस पच्चे पचास पचास बटे तीन परसेंट से घट जाए इससे घट जाएगा यानी कि बीस माइनस पचास बटे तीन तो बीस तिहाई साठ दस बटे तीन दस बटे तीन का इंक्रीज़ हो रहा है माइनस पंचा नहीं है आया दस बटे तीन का इंक्रीज़ ठीक है ये बचेगा तीन माइनस पाँच प्लस तीन माइनस का दो सात दो नहीं चौदह चौदह में से दो गया तो बारह डिवाइड बाय चार दो छः का स्क्वायर छत्तीस इंटू टू तो बारह तिहाई छत्तीस एक बटे तीन इंटू टू यानी दो बटे तीन आज हाँ तेज थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे सेवेंटी टू अमाउंट टू इतना इन थ्री ईयर एक सौ चार पॉइंट चार में सेवेंटी टू अगर चला जाए तो दो थर्टी टू पॉइंट फोर ओके थर्टी टू पॉइंट फोर इज उकल टू सेवेंटी टू इंटू थ्री इंटू आर परसेंट तो अठारह चौक बहत्तर अट्ठारह का स्क्वायर होता है तो वन पॉइंट एट तीन छंग अट्ठारह पॉइंट सिक्स यानी कि छः बटे चालीस आर की वैल्यू आ जाएगी छः बटे चालीस दूसरा ले में रख दें एक सौ बीस गुड़े पाँच गुड़े छः बटे चालीस चालीस तीन एक सौ बीस तीन छः छठारह पंच नब्बे नब्बे रुपये ज़्यादा मिलेंगे यानी कि एक सौ बीस प्लस नब्बे होता है दो सौ दस इसमें एंगल फाइंड द एंगल ए सी बी ए सी बी अगर ए जी बी बंद उसका आधा ही होता है यार ये तो सिक्सटी सिक्स छः छः बारह थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट वट विल द नेट पंद्रह और बीस पैंतीस माइनस पंद्रह दूनी तीस तीन सौ बटे सौ यानी कि तीन बत्तीस बचेगा बत्तीस सौ प्लस पच्चीस पाँच दो सात सत्तावन माइनस का पच्चीस दूनी पचास जीरो पाँच पच्चीस यानी पिछहत्तर और अस्सी आठ घट जाएगा फोर्टी नाइन पाइप ए कैन फिल टैंक इन अठारह ओवर पाइप बी है वो चौबीस घंटे में बोथ पाइप एक साथ खुले जाते हैं हाउ मच टाइम अच्छा बहत्तर अठारह चौक चौबीस तेईस बहत्तर बहत्तर बटे सात सत्तर प्लस दो बहत्तर बटे सात ये ना मिक्सचर फिफ्टी फाइव लीटर फ्रूट और जूस का वाटर का रेशियो जूस और वाटर का रेशियो है फोर इस टू वन हाउ मच वाटर वाटर ऐड करने वाले हैं तो जो फाइनल है वो बन जाए दो और एक चार एक पाँच दो एक तीन इसमें तीन का मल्टीप्लाई है तो तीन चौक बारह ज़ीरो इसमें पाँच का मल्टीप्लाई पाँच दो दस तो यह आया दस इस टू दो का रेशियो यानी कि फाइव इस टू वन का रेशियो पाँच की, की वैल्यू पचपन ग्यारह पच्चीस पचपन ग्यारह के अन्ना ग्यारह 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 लीटर ऐड करेंगे हम लोग वाटर रानू कैरीज़ वाटर टू स्कूल इन अ सिलेंड्रिकल फ्लास्क विद डायमीटर बारह हाइट है इक्कीस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शी कैन कैरी इन द फ्लास्क वॉल्यूम निकालना है अच्छा डायमीटर बारह यानी कि छः हो जाएगा छः गुणे छः बाईस बटे सात गुणे इक्कीस सात इक्कीस छः दूनी बारह छः दूनी बारह एक तेरह छः का मट छः दूनी बारह तेरह छः अठहत्तर और एक सेवेंटी नाइन तीन दूनी छः तीन में सत्ताईस तीन सत्तर इक्कीस तेईस छिहत्तर आप पुलिस मैन फॉलो अ थीफ हुईज़ बारह सौ पचास मीटर आगे है ठीक है पुलिस मैन एंड थीफ की स्पीड दस और आठ है द डिस्टेंस रन बाय द थीफ बिफोर पकड़ने से पहले थीफ ने कितनी दूरी तय करी तो रिलेटिव स्पीड तो दो ये मीटर में है किलोमीटर में सब निकाल लें एक बटे हजार ये किया पच्चीस पंचे पच्चीस चौको चार दुनिया आठ पाँच बटे आठ टाइम लगा पकड़ने में अब आठ की स्पीड से थी भागा है तो इस टाइम घड़े आठ यानी कि पाँच किलोमीटर दूरी तय करी होगी चोर ने सेक थीटा प्लस टैन टीटा पाँच है तो सेक थीटा सेक थीठा माइनस टेन टीटा हो जाएगा वन बाई फाइव दोनों को ऐड कर देंगे तो टू सेक थीटा आ जाएगा पाँच प्लस एक बटे पाँच यानी कि छब्बीस बटे पाँच तेरह बटे पाँच आंसर ऐसे दिया है पाँच छब्बीस बटे पांच बटे दो इन सर्किल चौदह सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड ठीक है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये ट्वेंटी फोर की डिस्टेंस है रेडियस बताने है। ये सात हो जाएगी ये पच्चीस हम एन टेकबाद में टुडो में सेक थीटा, थीटा से बत्तीस है इसकी वैल्यू होली स्क्वायर का कर दें तो बत्तीस का होल स्क्वायर एक हज़ार चौबीस इज इक्वल टू जो चाहिए उस प्लस टू इंटू सेक्सटर क्वाल तो टू बचेगा दो घट जाएगा एक हज़ार बाईस ए बी सी से कैंड सेपरेटली कम्प्लीट वर्क इन बारह पंद्रह और बीस दे वर्क टूगेदर फोर डेज कितना काम बचा साठ बीस तेईस साठ पंद्रह चौको साठ बारह पंच पाँच चार नौ तीन बारह बारह काम चार दिन तक किया अड़तालीस काम हो चुका है बारह काम बचा है कितने में से साठ में से बारह पंच एक बटे पाँच काम बचा हुआ है एक्स की पावर फोर दो सौ चौवन इसको कम करके जाना बाद में करेंगे ना ये भी बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी कट जाएगा ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का साइन कॉस एस स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का साइन कॉस ये वन हो जाएगा वन माइनस का साइन काज अच्छा ये तो इसको पहले लिख लेते हैं एक्स वाई अपॉन एल एम इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एम आर इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन एल आर एक्स वाई की वैल्यू एल एम के, के बराबर है एल एम पाँच है एक्स वाई है तो टू एम बराबर चार एम बराबर दो एंड वाई जेड एम आर वाई जेड है ये एम आर के बराबर इसकी वैल्यू आठ है आठ में दो गया छः छः का आधार तीन पी बराबर तीन एंड इसकी वैल्यू सात हो जाएगी तो टू एक्स इज्कल टू आठ बट एक्स की वैल्यू चार सबको जोड़ना है चार तीन सात दो नौ हाँ ये क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं शायद ए की सत्रह बी फाइंड द वैल्यू ये तो ए माइनस बी का होल क्यूब है ए जो नंबर है वो बड़ा है तो माइनस प्लस का सत्रह में से तेरह गया चार का क्यूब प्लस वाला ओके okay. तीन दोनी छः अट्ठारह बटे छः यानी कि तीन तीन पचे पंद्रह प्लस का अठारह दूनी छत्तीस बहत्तर बटे छत्तीस यानी कि दो दो तीन छ माइनस चार बटे आठ घुणे दो चार दूनी आठ दो एक दो एक आए गए पंद्रह छः इक्कीस में से एक गया बीस द एजेस ऑफ ज्ञानेन्द्र रेशियो छः पाँच ए द सम ऑफ पचपन छः पाँच ग्यारह की वैल्यू है पचपन एक केलू पाँच पाँच छाती तीस पचम पच्चीस वॉट विल बी द एज ऑफ आफ्टर सेवन ईयर सात पाँच बारह बत्तीस सैतीस सैंतीस बत्तीस कितने क्वेश्चन छः क्वेश्चन बचे. उन्नीस सौ के बारह मिनट आज लग रहा सही में इजी है क्वेश्चन व्हाट इज़ द एवरेज सेल्स एवरेज निकालना है दो हज़ार अठारह सबको जोड़ना है पच्चीस पाँच पाँच दो सात अस्सी अस्सी और तीस एक सौ दस एक सौ दस और सत्तर सात एक आठ एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी बटे चार पैंतालीस वॉट इज़ द रिस्पेक्टेड रेशियो ऑफ स्वीट मैनुफैक्चर बाय द फैक्ट्रीज पी क्यू आर टुगेदर 1998 1998 नाइनटीन नाइनटी एट नाइनटीन एट में पी क्यू आर इन तीनों को जोड़ना है तो आठ सत्रह और चौबीस सात चार ग्यारह इकतालीस इकतालीस और पंद्रह पाँच छः छप्पन पाँच सौ अड़सठ एक ऑप्शन दिख रहा है बट कट भी सकता है उसके बाद कौन है टू द स्वीट्स manufactured बाय द फैक्ट्रीज एस टी यू the इन द सेम ईयर एस टी यू इनको जोड़ना तो सात दो नौ तेरह सत्रह तीस तीस और उन्नीस उनचास पहला ही ऑप्शन होगा पंद्रवा मैन टेक्स पंद्रह मिनट टू अ सिक्सटीन किलोमीटर डाउन सिक्सटीन किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में पंद्रह मिनट ले रहा है ठीक है विच इज ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस देन द टाइम ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस यानी कि एक बटे चार चार से तीन यानी कि ये टाइम कम है तीन और अप इस्ट्रीम वाला ज़्यादा होता है चार तो तीन की वैल्यू पंद्रह है तो चार की वैल्यू बीस होगी बीस मिनट लेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अप इस्टीम में हाउ मेनी किलोमीटर कैन मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर स्पीड पूछ रहा है तो इसको मैं अगर आवर में चेंज कर लूँ तो एक बटे चार हो जाएगा इसको एक बटे तीन बजे तो डाउन स्ट्रीम आ गया सोलह चौकों चौंसठ उसके बाद अप स्ट्रीम आ जाएगा सोलह तीन अड़ता अप इस्ट्रीम आ गया अड़तालीस तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है वी प्लस एस बराबर चौंसठ वी माइनस एस बराबर अड़तालीस तो इन दोनों का सम आठ चार बारह छः चार दस और एक ग्यारह इसका आधा छप्पन हो गया हमारी स्पीड एक घंटे में छप्पन दूरी तय करेगा राउंड ऑफ पूछ रहा है एग्जैक्ट आंसर आ रहा है सोलह टू डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भरत वर्क ऑन अल्टरनेट डे ओके विद भरत स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे भरत ने स्टार्ट किया है अजय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन बत्तीस अजय जो है बत्तीस दिन में काम पूरा करता है इफ़ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली आठ दिन में काम पूरा हो गया है भारत अलोन भरत अलोन कैन फिनिश द सेवन टाइम्स सेम वर्क अगर भरत से काम शुरू करता है अगले दिन ए आएगा फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए आठ दिन में काम पूरा किया है अगर दोनों एक ही दिन में कर लें एक पेयर मान लें दोनों को तो एक दिन हो जाएगा ये यानी कि चार दिन में काम कंप्लीट करेंगे अगर ए प्लस बी एक साथ करें और ए करता है बत्तीस दिन में चारों अट्ठे बत्तीस बत्तीस एनवे बत्तीस सात बी की हो जाएगी सात बी सात दिन में काम पूरा करेगा तो भरत अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क मतलब बी की एफिशंसी सात हो जाएगी तो भारत काम जो पूरा करेगा बत्तीस बटे सात बट सेवन टाइम काम पूरा करना है यानी कि बत्तीस राउंड फिगर मांग रहा दो तो हो दो क्वेश्चन बचे हैं नौ मिनट हैं हाँ तो इसमें नीचे जाना होगा दो सौ चौवन प्लस दो दो सौ छप्पन सोलह का स्क्वायर तो एक्स चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजल टू सोलह इसकी ज़रूरत पड़ेगी इससे नीचे जाएंगे तो सोलह दो अट्ठारह अट्ठारह का अंडर रूट करेंगे एक्स प्लस वन 9, ऑन एक्स नौ दो अट्ठारह थ्री रूट टू बनेगा अब इसका क्यूब चाहिए हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए इसका क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस का वन एक्स क्यूब क्या होगा इसका क्यूब ये थ्री रूट टू होगा तीन का क्यूब हो जाएगा सत्ताईस और दो का हो जाएगा दो गुण रूट टू तो सत्ताईस उन्नीस चौवन रूट टू माइनस थ्री इंटू थ्री रूट टू यानी कि तीन तरह का नाइन रूट टू से घट जाएगा नाइन रूट टू घट जाएगा तो नौ पन्ना नौ पाँच चौदह यानी कि फोर्टी फाइव रूट टू ये आया इसकी वैल्यू अब होगा क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये घटेगा यानि कि सोलह गुणे पैंतालीस रूट टू माइनस का थ्री रूट टू सोलह पंच अस्सी सोलह चौक चौह आठ सौ बारह बहत्तर सात सौ बीस रूट टू माइनस का तीन सात सौ बीस में तीन कम सात सौ सतरह बस एक क्वेश्चन सात मिनट आज का काफ़ी इजी था आज शॉपकीपर गेंस ट्वेंटी परसेंट इन प्लेस ऑफ सोलह परसेंट लॉस इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई तीन सौ चौबीस तीन सौ चौबीस बढ़ा दिया है अगर प्राइस तो ये हो गया मतलब कि अगर सौ था शॉपकीपर गेंस एक सौ बीस परसेंट का प्रॉफिट हो गया अब उसको जो कि पहले सोलह परसेंट का लॉस हो रहा था ओके और ये इसने इतना प्राइस बढ़ा दिया है कितना बीस का ये गैप है सोलह का ये यानी कि छत्तीस बढ़ा दिया है इस छत्तीस की वैल्यू है तीन सौ चौबीस अट्ठारह दोनी छत्तीस अठारह का स्क्वायर होता है दोनों ही अट्ठारह तो सौ की वैल्यू नौ सौ तो आज का पेपर काफ़ी पहले हो गया सात मिनट पहले तो अब देखते हैं कितने आते हैं कोई जगह क्यों सही होगी तो पूरे नंबर आ सकते हैं। फिफ्टी आज तो मतलब आज का क्वेश्चन इज़ी था काफ़ी बारह मिनट तेरह मिनट लगभग पेपर सॉल्व हो गया है एंड आई होप कि सोल्यूशन अच्छा लगाओ एंड आप भी इसको मतलब ये चौदह तारीख की जो शिफ्ट फोर है काफ़ी इज़ी है इसको आप तेज़ी से तेजी सॉल्व करने का ट्राई करें तो आपकी प्रैक्टिस जो स्पीड होगी बढ़ेगी शिफ्ट कभी भी ईजी आ सकती है तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए थैंक यू